नमस्कार। अगर आज बात करें टेलीविज़न की दुनिया की, तो टेलीविज़न की दुनिया से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से घर घर फेमस हुए इस शो के कलाकार डॉक्टर हंसराज हाथी, जिनको आप सभी जानते होंगे, ये घर घर फेमस थे अपने मोटापे के कारण। तो डॉक्टर हंसराज हाथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह ही उनको हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर हंसराज हाथी काफ़ी दिनों से अपने मोटापे के कारण परेशान थे, और दूसरी चीज़ वो अपना मोटापे का इलाज भी उनका चल रहा था, लेकिन खबर सुबह ये आई कि उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। ये एक टेलीविज़न जगत में बहुत ही बुरी और दुखद घटना है। डॉक्टर हाथी अपने ओवरवेट से परेशान थे। आपको बता दें कि डॉक्टर हाथी का वज़न 215 किलो था, और डॉक्टर हाथी का असली नाम कवि कुमार आज़ाद था, जो अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। डॉक्टर कवि कुमार आज़ाद बिहार के रहने वाले थे। वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कारण घर घर में उनको बच्चा बच्चा जानता था। तो अब ये एक टेलीविज़न दुनिया के लिए बहुत ही दुखद खबर, और तारक मेहता उल्टा चश्मा के लिए भी ये एक कलाकार की कमी हो गई है, क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय और असरदार कलाकार थे। वो अपने वज़न के कारण परेशान थे, उनका इलाज भी चल रहा था, वो वज़न कम कराने का हॉस्पिटल में इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन आज सुबह उनका एक हॉस्पिटल में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।